Yes, friends, yesterday I have discussed with you the chapter Industrialization, Age of Industrialization. And in this chapter, we have started from 17th to 18th century. That was called proto-industrialization. Why it was called proto? Because this was the early phase of industrialization. Industrialization came in which century? 19th. In which continent first? Europe. Clear? And now, after this proto-industrialization, when factory system started in England, with that, the life of people changed. Earlier, they were living in the village areas. They were doing their production process in the village. Different steps were followed. Number one, मैंने आपको बताया था, first step जो था, in cotton, textile, जो process था, that was stapler. What was the work of stapler, Keshav? What was the work of stapler? Okay, to separate the seeds, it means इसका main काम क्या था? That to refine the, to sort out the cotton. Okay? Second step कौन सा था? Spinning, spinner जो होता था, ठीक है, उसका main काम क्या होता था? Cotton से क्या बनाना? Thread. Then fuller. Who was fuller? Fuller का काम क्या था? Yes, fabric, pleading का काम. And last, dyer, D-Y-E-R, जो main कपड़े को dye करता था, ठीक है? So all these processes were carried in the village areas because in the cities, new merchants were not entered and they were permitted by the guild system. Easy language में आप ये याद रखो कि cities areas में जो guild system के association के members थे, वो नहीं चाहते थे कि नए-नए businessman उनके business को join करें क्योंकि इससे क्या होता उनका profit divide हो जाता. So that's why these new businessmen, they turn to village areas में अपना सारा काम करवा कर उसके बाद cotton textile को international market में बेचा जाता था. ठीक है, इतना clear. इसके बाद first cotton mill, फिर धीरे-धीरे mill system और factory system जो है वो 19th century में जब आया उसके कारण काफी हद तक जो है वो cotton production process और पूरा जो है international market का जो main अमाउंट थी उसमें बहुत फर्क पड़ा. क्या फर्क पड़ा? सबसे पहले आपने डाटा नोट करना है. नंबर वन, फर्स्ट कॉटन मिल नेम आपने बताना है. यस, हु क्रिएटेड फर्स्ट कॉटन मिल? रिचर्ड ऑकराइट. और अप्रोक्सीमेटली कौन से ईयर में इंग्लैंड में फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई थी? 1730. अब आप एक डाटा नया जो है इसके अकॉर्डिंग लिखो. इन 1760 ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग, ये याद रखो, इन 1760 ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग 2.5, ये हमने एग्जैक्ट डाटा जो है कई बार अनसीक्यूज या वन मार्क के लिए आ सकता है, 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ कॉटन. ठीक है, 1760 में रॉ कॉटन, यहाँ पे कॉटन का मतलब है रॉ. अब ये रॉ कॉटन ब्रिटेन मंगवाता था, इसका मतलब है 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ कॉटन वाज इंपोर्टेड. इंपोर्ट क्या होता है? कंट्री मंगवाती है. एक्सपोर्ट क्या होता है? कंट्री बेचने के लिए बाहर भेजती है. तो अब ये देखो कि 1760 में, ठीक है, ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग, इंपोर्टिंग का मतलब होता है 2.5 मिलियन जो है वो कॉटन ऑल ओवर द वर्ल्ड से ब्रिटेन में आ रहा था. क्या टारगेट था इसका? बिकॉज इन द मिल्स रॉ कॉटन वॉज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इन टू थ्रेड एंड इन टू टेक्सटाइल. अगेन आई एम रिपीटिंग, इन 1760 ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग 2.5 मिलियन रॉ कॉटन. रॉ कॉटन का मतलब होता है जिसमें बीड्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है, जिसको रिफाइन करना पड़ता है. इसके बाद इंग्लैंड में नई नई मिल्स बन रही थी, फैक्ट्री सिस्टम आ गया था, तो उनको क्या चाहिए थी? रॉ कॉटन. और इससे क्या हो रहा था? रॉ कॉटन जो है उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ रही थी, मिल्स में और ज्यादा रॉ कॉटन चाहिए थी. तो अब कॉटन इंपोर्ट को और बढ़ाएगा कि कम करेगा? ब्रिटेन बढ़ाएगा. बढ़ाने से ब्रिटेन को फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा. क्यों? क्योंकि उसकी मिल्स को रॉ कॉटन चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेटर जो है वो लिखो,
1787 दिस अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट पहले 2.5 मिलियन या पाउंड ऑफ कॉटन थी, दिस अमाउंट वॉज 22 मिलियन, 22 मिलियन पाउंड। यानी कि आप खुद सोचो 1760 में 2.5 मिलियन जो है उसकी अमाउंट का कॉटन जो है इंपोर्ट किया गया। 1787, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 87, अप्रोक्सीमेटली 25 इयर्स में ब्रिटेन में कितनी सारी मिल्स खुल गई होंगी, कितनी सारी फैक्ट्रीज और बन गई होंगी, जिससे कि ब्रिटेन को और ज्यादा रॉ कॉटन चाहिए, इंपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं। अब इसका मतलब अल्टीमेटली क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री में आई, कौन सी इंडस्ट्री में आई, कॉटन। बड़ी बड़ी मिल्स खुल रही थी, फैक्ट्री सिस्टम आ गया, इंडस्ट्रीज बन रही थी, और धीरे धीरे ब्रिटेन को इन मिल्स के लिए थ्रेड बनाने के लिए कॉटन चाहिए था। एंड दैट्स व्हाई 1760 में जिसकी अमाउंट 2.5 थी, 1787 में जाकर उसकी कितनी हो गई, 22 मिलियन पाउंड ऑफ कॉटन वॉज इम्पोर्टिंग, ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग 22 मिलियन पाउंड। और ये कॉटन जो है वो कहाँ पे भेजी जा रही थी, ब्रिटेन की मिल्स में, फैक्ट्रीज में, वहां से इसे क्या बनाया जा रहा था, थ्रेड, और थ्रेड से क्या बनता था, टेक्सटाइल। दिस वॉज द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये कौन सा फेज था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब धीरे धीरे इंग्लैंड में जैसे जैसे मिल्स और फैक्ट्रीज खुलती गई, उससे क्या होने लग गया, हम ये कह सकते हैं कि कॉटन वॉज अ लीडिंग सेक्टर इन द ब्रिटेन, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है बताएंगे कि इंग्लैंड में कौन सा प्लेस जो है वो सबसे बेस्ट, जहां पे कॉटन मिल्स सबसे ज्यादा जो है वो ओपन हुई थी, उस प्लेस का नाम लैंकैशियर। लैंकैशियर एक ऐसा प्लेस है जो कॉटन इंडस्ट्री के लिए बेस्ट माना गया ब्रिटेन में। जैसे इंडिया में मुंबई, मुंबई इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, या ये भी कह सकते हैं कि ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र, बॉम्बे, गुजरात, ये ऐसे एरियाज हैं जिन एरियाज में ब्लैक सॉइल बहुत होती है। एंड ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर विच कॉटन, और जितनी कॉटन होगी उतना ही थ्रेड होगा, उतना ही कॉटन को उठाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जैसे इंडिया में मुंबई, ऐसे ही आपने याद रखना है कि इंग्लैंड में कौन सा प्लेस था, लैंकैशियर। अब ये वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई दिस वाज लैंकैशियर वाज वेरी फेमस, राइट डाउन, बिकॉज इट वाज द बेस्ट प्लेस फॉर कॉटन स्पिनिंग इंडस्ट्री, बिकॉज लैंकैशियर वाज द बेस्ट प्लेस फॉर कॉटन स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, बेस्ट प्लेस फॉर कॉटन स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इंग्लैंड। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चे कि पहले पहले तो कॉटन, हाँ जी, पहले पहले तो कॉटन, कॉटन बहुत ज्यादा फेमस हुआ, लेकिन अब आप ये देखो कि कोई कंट्री अगर लगातार इंपोर्ट करती जा रही, तो कंट्री को क्या चाहिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस कैसे करना है, अब कंट्री इंपोर्ट कर रही है तो कंट्री को एक ऐसी आइटम भी चाहिए जिसको वो एक्सपोर्ट करे, ताकि जितना इंपोर्ट, यानी कि जितना इंपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट करे तो ही बैलेंस होगा ना। कंट्री अगर मंगवाती जाएगी, अगर नहीं बेचेगी तो लॉस होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, उस टाइम पर, टाइम पीरियड में रेलवे जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती, हाँ जी। रेलवे एक्सपेंशन क्या होता है, जब रेलवे की एक्सपेंशन होती है तो रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स जो है वो किसके होते हैं, आयरन के। तो वर्ल्ड में किसकी डिमांड बढ़ी, आयरन, और आयरन उस टाइम पर में ब्रिटेन में बहुत ज्यादा था, ब्रिटेन में आयरन माइंस बहुत ज्यादा था। तो अब ब्रिटेन ने क्या शुरू करना कर दिया, फर्स्ट कॉटन तो थी, कॉटन तो लीडिंग सेक्टर था ही, साइड बाय साइड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी ब्रिटेन में बहुत ज्यादा जो है वो ग्रू हुई, यानी कि माइंस बनी, और जिसके कारण ब्रिटेन नाउ स्टार्टेड आल्सो स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग आयरन टू द वर्ल्ड। यानी कि अब ब्रिटेन जो था वो आयरन भी पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा था। तो अब आपने ये परसेंटेज लिखनी है, 1873 यानी कि इस सेंचुरी, यानी कि अब हम टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 1873 ब्रिटेन एक्सपोर्टेड आयरन एंड स्टील अप टू 77 मिलियन
पाउंड। वन मार्क क्वेश्चन। पहले मैंने आपको कॉटन का डाटा बताया जिसमें कॉटन वॉज ब्रिटेन वॉज इंपोर्टिंग कॉटन, ठीक है। अब है ये है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि ब्रिटेन वॉज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट बाय एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है बाकी वर्ल्ड को आयरन सेल करना, है ना। 1873 का जो डाटा है वो ये कहता है कि ब्रिटेन अर्न 77 मिलियन पाउंड बाय एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ये शो करता है कि अल्टीमेटली पहले कॉटन इंडस्ट्री थी और लेटर ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी ब्रिटेन में बहुत ज्यादा फेमस हुई। यानी कि जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इंग्लैंड में सबसे पहले जो है वो रेवोल्यूशन किसमें आया, किसमें आया, कॉटन इंडस्ट्री। फिर उसके बाद सेकंड किसमें आया, आयरन एंड स्टील, ठीक है। तो ये हमने बताना है कि कॉटन वॉज इम्पोर्टिंग, रॉ कॉटन इम्पोर्ट कर रहा था और आयरन क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट। ये याद रखो। इसके बाद अब हम बात करते हैं लाइफ ऑफ वर्कर्स की। वर्कर्स की लाइफ जो है वो कैसे अफेक्ट हुई मशीन्स के आने से, और क्या लोग स्टार्टिंग में मशीन्स खरीदने के फेवर में थे। तो इसके लिए हमेशा याद रखो, जब भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसको खरीदने के लिए जो बायर्स होते हैं बहुत कम होते हैं। रीजन क्या होता है, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होती। धीरे धीरे जब बाकी लोग उसको लेते हैं तो लोगों को ये होता है कि पहले बाकी लोग इसको लें, एक्सपेरिमेंट हो, उसके बाद उसको लें। सेकंड थिंग क्या होती है, जब भी मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, उसका रेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 5 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद धीरे 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 उस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस भी किया जाता है और उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। आप ये सोचो कि स्टार्टिंग में लैपटॉप्स, मोबाइल्स, LEDs, ठीक है, इनकी कॉस्ट कितनी ज्यादा होगी, लेकिन 10 ईयर्स के बाद, 20 ईयर्स के बाद, 25 ईयर्स के बाद, अब देखो तो मोबाइल हर एक के पास है, लैपटॉप हर एक के पास है, टैब हर एक के पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आगे से आगे टेक्नोलॉजी जो है उसका रेट भी कम हो जाता है और उसकी नॉलेज भी सबको होती है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम पीरियड इन विच व्हेन मेनी मशीन्स वर इंस्टॉल्ड इन द इंडस्ट्रीज, बट एट दैट टाइम पीपल दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय। व्हाई दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय, बिकॉज एट दैट टाइम दीज न्यू मशीन्स वर वेरी कॉस्टली। Because during the industrialization process, these machines were very costly, and its repair, इनकी जो repair थी, that was also very high. जब machines जो होती हैं, अगर चलते चलते रुक जाती हैं, तो उनकी repair जो थी, that was very costly. Reason क्या था? उस time period में mechanics बहुत कम होते थे, engineers बहुत कम होते थे. आज के time period में बहुत ज़्यादा mechanics engineers हैं. लेकिन उस टाइम पीरियड में मशीन अगर चलते चलते रुक जाती थी तो उनकी रिपेयर की प्रॉब्लम बहुत आती थी। इसी का एक बेस्ट एग्जांपल हमने इसमें बताना है। आप जस्ट ये बताओगे कि इसीलिए प्रोड्यूसर जो थे ना, वो पहले पहले ना लेबर को प्रेफर करते थे। रीजन क्या था कि ब्रिटेन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो प्रोड्यूसर्स को इजिली लेबर मिल जाते थे। तो स्टार्टिंग में ना देवर स्केर्ड, वो डरते थे कि हम ये टेक्नोलॉजी बाय करें या ना करें। और इसीलिए जस्ट आपने ये बताना है कि 19th सेंचुरी के एंड में सिर्फ 20% जो लोग थे वो ही फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, बाकी 80% अभी भी डोमेस्टिक यूनिट्स में काम कर रहे थे। दे सर्व इन द डोमेस्टिक यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब फेस आया, अभी भी 20% जो लोग थे वो फैक्ट्रीज में काम करते थे जिनको मैकेनिकल नॉलेज थी, लेकिन कुछ कितने ही परसेंट, यानी कि 80% ऐसे लोग थे जिनको मशीन ऑपरेट करनी नहीं आती थी। वो ट्रेडिशनल यानी कि हाथ से काम करते थे, जो उनके पास पुराने टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हैं उनसे काम करते थे। और इस तरह से हम ये कह सकते कि स्टार्टिंग में लोगों ने मशीन को प्रॉपरली वेलकम नहीं किया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देते हैं स्टीम इंजन। स्टीम इंजन देखा जाए, जब भी ये क्वेश्चन आता ना कि हु डिस्कवर्ड, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, तो हम नाम लेते हैं जेम्स वॉट। लेकिन जेम्स वॉट से भी पहले एक पर्सन थे जिन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। स्टीम इंजन वॉज, याद रखो, न्यू कॉमन। ही प्रोड्यूस्ड स्टीम इंजन, उसने इसको बनाया,
बट एट दैट टाइम दिस स्टीम इंजन वॉज नॉट परफेक्ट फॉर इंडस्ट्रीज, तो इसके लिए ना इसको फिर परफेक्ट करना पड़ा, इसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ा. तो इम्प्रूव किसने किया? जेम्स वॉट, ही इम्प्रूव, उसने इसको इम्प्रूव किया इंडस्ट्री सेक्टर के लिए. एंड इनका एक फ्रेंड था, उसका नाम था मैथ्यू बॉल्टन. दोनों ने, यानी कि जेम्स वॉट और मैथ्यू बॉल्टन ने मिलकर इस नए स्टीम इंजन को मैन्युफैक्चर की, दे मैन्युफैक्चर, बनाया इसके, इस स्टीम इंजन के नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, ठीक है. और इसको बाद में क्या करवाया गया? पेटेंट. पेटेंट का मतलब क्या होता है? होल राइट जो था वो इनके पास था, इनको सेल करने का पेटेंट. पेटेंट का मतलब होता है जैसे कोई भी साइंटिस्ट है वो अपने आइडिया, या जो जो लोग मेडिसिन बनाते हैं वो अपने फॉर्मूला का पेटेंट करवा लेते हैं. इसका मतलब उस फॉर्मूले को कोई और पर्सन यूज नहीं करेगा, उसके होल एंड सोल राइट जो है वो उनके पास होंगे. इसको क्या बोलते हैं? पेटेंट. यानी कि जेम्स वॉट और मैथ्यू बॉल्टन ने क्या किया? नए स्टीम इंजन का पेटेंट करवाया. एंड उनको लगता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनका स्टीम इंजन बहुत बिकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. स्टार्टिंग में जब इनका स्टीम इंजन मार्केट में आया तो देवर वेरी शॉक कि बायर्स बहुत कम थे, खरीदने के लिए लोग नहीं रेडी थे. तो टोटल उनके कितने स्टीम इंजन जो है वो पूरे इंग्लैंड में बिके? 321 इन इंग्लैंड. स्टार्टिंग में जब उनके स्टीम इंजन उन्होंने बनाए तो 321. अब स्टीम इंजन की कॉटन इंडस्ट्री में जरूरत क्यों थी? कॉटन यानी कि जब भी बच्चे कॉटन को डाई, कपड़े को डाई किया जाता है, आपने देखा होगा कि जो लोग दुपट्टा वगैरह डाई करते हैं तो मेनली वो क्या करते हैं, हर टाइम पानी को बॉयल करते हैं ना, कलर्स जो है उसको प्रॉपर डालने के लिए. तो उस टाइम पीरियड में तो कितने बड़े बड़े रोल्स डाई करने पड़ते थे, तो पानी चाहिए. तो स्टीम इंजन जो थे उनको कॉटन इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट जो है उसके लिए बेनिफिशियल जो है वो समझा गया कि अगर स्टीम इंजन को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाए तो काफी हद तक पावर जो है वो सेव हो सकती है. लेकिन सेम वही चीज है कि स्टीम इंजन जो है वो कंट्री में इंग्लैंड के जो लोग थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड. और सिर्फ 321 स्टीम इंजन ही पूरे इंग्लैंड में बिके. इसमें से सिर्फ 80 आउट ऑफ 321, 80 जो है वो कॉटन इंडस्ट्री में थे और 9 वर इन वूल इंडस्ट्री. थ्री ट्वेंटी वन में से 80 कॉटन इंडस्ट्री में, 9 वूल इंडस्ट्री में और रेस्ट अदर. अदर का मतलब अलग अलग पार्ट, जैसे आयरन माइंस या अलग अलग एरियाज में स्टीम इंजन को यूज किया जा रहा था. इसका मतलब है स्टार्टिंग में स्टीम इंजन की डिमांड बहुत कम थी. रीजन क्या था कि पीपल दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दिस न्यू टेक्नोलॉजी. और उनको ये डर था कि अगर ये स्टीम इंजन चलते चलते बंद हो जाएगा, इसको रिपेयर करना, मैकेनिक्स और उनको आगे सैलरीज देना, तो दैट वॉज वेरी हाई. तो स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर्स को ये लगा कि दैट इज नॉट बेनिफिशियल और इसलिए स्टीम इंजन की जो है वो डिमांड इतनी ज्यादा नहीं. क्लियर? अब नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे कि रीजन इसका क्या था. बिकॉज एरिस्टोक्रेटिक पीपल, मिनिस्टर्स, किंग्स, क्वींस, दे प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स. राइट डाउन हेडिंग, व्हाई द डिमांड ऑफ मशीन्स वॉज वेरी लो इन द इनिशियल ईयर्स. जस्ट यू विल राइट इन हेडिंग फॉर्म, आपको इसकी वजह से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. व्हाई द डिमांड ऑफ न्यू मशीन्स वर वेरी लो इन द इनिशियल ईयर्स. डिमांड फॉर मशीन वॉज वेरी लो. जस्ट हेडिंग्स लिखते जाओ ताकि आपको क्लियर हो. फर्स्ट, हाई पॉपुलेशन. हाई पॉपुलेशन, ठीक है. अब आप बच्चे इमेजिन करो कि एक फैक्ट्री ओनर है, प्रोड्यूसर है, एक तरफ बहुत ज्यादा लेबर है, उसको इजीली लेबर मिल जाएगी और लेबर्स को वो सैलरी भी कम देगा. दूसरी तरफ अगर वो मशीन खरीदता है तो मशीन को खरीदना, इंजीनियर्स को चार्जेस देना, रिपेयर मेंटेन करना, मेंटेनेंस उसकी कितनी कॉस्टली है. तो वो मर्चेंट जो है वो किसको प्रेफर करेगा उस टाइम पीरियड में, जब उसको मशीन की इतनी नॉलेज ही नहीं है? मशीन को या लेबर को? लेबर. This was the reason. First,
हाई पॉपुलेशन एट दैट टाइम एंड चीप लेबर. चीप लेबर का मतलब होता है उसको इजिली लेबर मिल जाती थी, तो लेबर की जो कॉस्ट थी वो बहुत कम थी, और इसीलिए धीरे धीरे जो प्रोड्यूसर थे दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दिस न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, सेकेंड सेकेंड लिखो, कॉस्ट ऑफ मशीन वॉज वेरी हाई. आई हैव डिस्कस दिस ना कि कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, कॉस्ट ऑफ मशीन वर वेरी हाई एंड रिपेयर ऑल्सो. उनकी रिपेयर, मैकेनिक्स की फीस, इंजीनियर्स की फीस, दैट वॉज वेरी, उनके जो विजिटर चार्जेस थे दैट वर वेरी हाई. सो दैट्स वाई एट दैट टाइम कॉटन मैन्युफैक्चरर जो थे दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दिस न्यू टेक्नोलॉजी. थर्ड, एरिस्टोक्रेटिक कौन होते हैं? एरिस्टोक्रेटिक होते हैं रिच पीपल, रॉयल्टी, किंग्स क्वींस. दे प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स. क्यों? दे प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स. अच्छा, आज के टाइम पर मैं अपने एक फ्रेंड सुना है, लोग डिजाइनर ड्रेसेस पहनते हैं. डिजाइनर मतलब कि वो क्या होंगी, यूनिक होंगी, वो किसी और ने नहीं पहनी होंगी और उसको किसी ने कॉपी नहीं किया होगा. ठीक है, डिजाइनर, डिजाइनर का मतलब होता है स्पेशली अपने लिए अलग से डिजाइन करवाना. तो उस टाइम पीरियड में जो किंग्स थे, क्वींस थे, वो मशीन मेड क्लोथ जो है वो डालने में इंटरेस्टेड नहीं थे. उनको लगता था कि मशीन मेड क्लोथ जो है वो इजिली कॉमन है और उनका जो स्टैंडर्ड है हाई स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है वो मशीन मेड क्लोथ जो है दैट इज नॉट सूटेबल. इसीलिए वो हैंडमेड क्लोथ या हैंडमेड गुड्स को प्रेफर करते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट लिखो, मशीन मेड गुड्स वर सप्लाई टू कॉलोनीज. मशीन मेड गुड्स वर सप्लाइड टू कॉलोनीज, यानी कि जो मशीन मेड गुड्स थी वो कॉलोनीज में भेज दी जाती थी. उनको लगता था कि जो कॉलोनीज के लोग बहुत पुअर हैं, ठीक है, वो ये इन चीजों को यूज करें, तो दे डिमांडेड हैंडमेड गुड्स. ठीक है, वो हैंडमेड गुड्स या हैंडमेड क्लोथ को प्रेफर करते थे. इसीलिए स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर जो थे वो हैंडमेड चीजें या हैंडमेड क्लोथ को ज्यादा प्रेफर करते थे एज कम्पेयर टू मशीन मेड क्लोथ. एंड एक और चीज क्या होती है, जब मशीन में कोई काम किया जाता है ना तो उसके नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा होते हैं. तो सेम ही तरह का डिजाइन मशीन चलाने का फायदा क्या होता है, जब एक ही डिजाइन को कॉपी कर देते हैं और नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होंगे. कैन यू गिव मी एनी वन एग्जांपल ऑफ दिस, कि हम कोई भी मशीन मेड गुड बनाते हैं या कुछ है तो वो एक ही तरह की आएगी, डिजाइन भी एक होगा. हाँ, क्लोथ का रोल है, सारा रोल जो होगा वो एक ही तरह का होगा. और एनी अदर, हाँ हाँ, और साइज शेप कोई भी, अगर आप मशीन मेड गुड़ की एग्जांपल लें तो सबकी साइज शेप डिजाइन एक जैसा होता है. जब मार्केट में उसको बेचेंगे तो सभी लोग उसको खरीदेंगे तो वो क्या होगा, कॉमन होगा. ठीक है, बट एट दैट टाइम किंग एंड क्वीन एंड रॉयल्टी मिनिस्टर्स दे प्रेफर्ड यूनिक डिजाइन जो सबसे डिफरेंट हो, कॉमन ही प्रेफर करते थे. और इसीलिए प्रोड्यूसर्स का मेन, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ये खरीदते ही मेन रिच लोग, तो उनकी प्रायोरिटी क्या होती थी कि जो रिच लोग हैं वो हैंडमेड गुड्स खरीदें. This was the reason why merchants, they were not interested to buy these machines. उनको लगता था कि मशीन मेड गुड्स जो हैं वो कॉमन होती हैं और रॉयल्टी इनको पसंद नहीं करेगी तो बनाने का फायदा भी नहीं. ठीक है, और अगर वो बनाते भी हैं तो उसको कॉलोनीज में बेच देते थे, सिटी के अंदर नहीं. देन इसका एक एग्जाम्पल नोट करो, हैंडमेड गुड्स का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है. 500 hammers, kind of hammers. Different types. Hammers मतलब होता है हथौड़ा. हथौड़े की हैमर की भी 500, यानी कि अलग अलग तरह की टाइप्स. मतलब ये हैंडमेड, हैंडमेड हैमर होता था. इसका मतलब होता है कि हर एक अलग अलग स्पेयर पार्ट्स के लिए अलग अलग तरह के टूल्स की जरूरत पड़ती है. तो लोग जो थे वो 500 तरह के हैमर्स बना सकते थे हाथ से. लेकिन अगर ये मशीन बनाती तो क्या 500 अलग अलग बनाती? वो एक ही तरह का बनाएगी. एक्सिस की बात करें, एक्सिस क्या होती है, कुल्हाड़ी. एक्सिस के डिजाइन भी अलग अलग थे उस टाइम पीरियड में. ठीक है, तो ये उस टाइम पीरियड में 45 अलग अलग तरह के एक्सिस, डिजाइन भी अलग, हैंडल भी अलग, शेप भी अलग और साइज भी अलग. तो उस टाइम पीरियड में 500 टाइप्स ऑफ हैमर्स, और एक्सिस की बात करें तो 45 डिजाइन वर अवेलेबल इन द मार्केट. लेकिन यह मशीन में अगर बनता तो इसका एक ही डिजाइन होता हैमर का और एक ही जो है वो एक्सिस. So, this was the reason at that time why many people they preferred hand labor. वो hand labor को prefer करते थे as compared to machines. अब next part आ जाओ, life of workers में हमने बताना है. People they were not happy. Workers were not happy.
वर्कर्स वर नॉट हैप्पी विद द मशीन, वर्कर्स वर नॉट हैप्पी विद द मशीन. व्हाई? बिकॉज अब ये जो मैंने बच्चे आपको टाइम बताया ना, इससे हमने थोड़ा सा आगे, यानी कि अब आप बात करो 50 ईयर्स या 100 ईयर्स आगे का टाइम. बच्चे जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, वैसे वैसे कॉस्टली जो मशीन थी उनका रेट कम हो गया, नंबर ऑफ इंजीनियर्स बढ़े, नंबर ऑफ मैकेनिक्स बढ़े. 25, 30, 40 ईयर्स के बाद प्रोड्यूसर्स को जो नेक्स्ट जनरेशन आई, अब जनरेशन का गैप भी तो होता है ना. सपोज आप देखो कि आपके ग्रैंडफादर अभी भी स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कभी भी इतना पुराना फोन कभी यूज नहीं करेंगे, वो स्मार्टफोन या आईफोन यूज करेंगे. तो जनरेशन का भी गैप होता है. जो 50 ईयर्स के बाद नई जनरेशन आई, इन्होंने मशीन मेड गुड्स प्रेफर की और मशीन को खरीदना शुरू कर दिया, मतलब जो नए बिजनेसमैन. अब गैप, गैप का मतलब होता है हम थोड़ा सा आगे टाइम कवर कर रहे हैं. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आगे से आगे प्रोड्यूसर्स की डिमांड क्या थी कि जितना हो सके मशीन्स को खरीदो, मशीन से काम करवाओ ताकि टाइम सेव हो, और वर्कर्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनकी प्रॉब्लम से उनको जो है वो रिमूव हो जाए. वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम होती है? सैलरीज बढ़ाओ, ठीक है, स्ट्राइक एजिटेशंस करते हैं, ऑपोजिशंस होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं. कई बार क्या होता है, वर्कर काम कर रहा है, चलते चलते क्या होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकल देना पड़ता है, व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम्स आती है. इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए धीरे धीरे बहुत से मर्चेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, मशीन खरीदनी शुरू कर दी. क्योंकि अब मशीन जो थी वो लेबर को रिप्लेस करना शुरू हो गई. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ. बच्चे आपने महात्मा गांधी जी की एक फोटो देखी होगी जिसमें वो चरखा चलाते हैं, ठीक है. नेशनलिज्म इन इंडिया में मैंने आपको बताया था गांधी जी ने ना चरखा डिजाइन किया था ना. एक तरफ आप ये देखो कि चरखा जो है वो ऐसे होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हैंडल होता है, यहाँ पे कॉटन बॉल, कॉटन लगा दी जाती है. जब यहाँ से हैंडल घुमाया जाता है ना, तो उससे कॉटन से क्या बनता है? थ्रेड. और ये थ्रेड जो है वो ऑटोमेटिक इस व्हील पे रोटेट होता रहता है. कॉटन से क्या बना? थ्रेड. इसको कितने लोग चलाएंगे चरखा? चरखा मोस्टली कितने लोग चलाते हैं? वन एट ए टाइम. उसके बाद ये सारा थ्रेड जो है वो व्हील पे रोटेट हो गया, और उसके बाद स्पिंडल से इसका सारा जो है ट्विस्ट करके रोल बना लेते हैं. रोल का मतलब होता है कपड़े के लिए जो रील बनाते हैं. एट ए टाइम इसको कौन ऑपरेट करेगा? ओनली वन. तो पुराने टाइम पीरियड में ऐसे जो है डिवाइस जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी, क्योंकि लोग जो थे वो अपने अपने घरों में ये डिवाइस से थ्रेड बना रहे थे. लेकिन इस डिवाइस को, ऐसी डिवाइस को रिप्लेस किसने किया? एक नई मशीन मार्केट में आई जिसको बोलते हैं स्पिनिंग जेनी. ये जेनी कोई गर्ल नहीं है. स्पिनिंग जेनी मतलब नेम ऑफ मशीन. क्या थी ये मशीन और कैसे वर्क करती थी, और इसको किसने जो है वो डिवाइस, इसको किसने जो है वो डिवाइस किया, इसका नाम लिखो. जेम्स हरग्रीव्स. जेम हरग्रीव जो थे, ही डिवाइस स्पिनिंग जेनी इन विच ईयर? 1764. 1764. इस डिवाइस ने क्या किया, जो वर्कर पहले एक मशीन में काम करता था, इसने क्या किया, एक ऐसी मशीन बनाई जिस मशीन में सिर्फ एक व्हील होता था. आपकी बुक में भी फोटो बनी हुई है. और उस व्हील से एट ए टाइम कितने स्पिंडल वर्क करते थे? 1, 2, 3 उसके बाद आगे इस तरह से अलग अलग पार्टीशन बनाए जाते थे, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि जब थ्रेड, जब व्हील को घुमाएंगे ना, हर जो है वो ट्विस्टर जो होते थे उस पे कॉटन बॉल्स लगा दिए जाते थे, और कॉटन जो था वो इन पे ट्विस्ट होता था. और एट ए टाइम ये जो स्पिनिंग जेनी थी ना, एट ए टाइम कितने स्पिंडल घुमा सकती थी? 100. और कितने रोल बनेंगे फिर? 100 रोल्स, ठीक है. अब सपोज एक मर्चेंट जो है वो इसको खरीद लेता है, तो कितने रिप्लेस हो गए? 100 लेबर को रिप्लेस कर दिया. और ऐसे में जब मैनी पीपल दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, तो अब उन लोगों के लिए मशीन जो क्या थी, एक तरह से एक मिजरी लेकर आई, एक हम ये कह सकते पावर्टी लेकर आई, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन लेकर आई.
और जब ऐसा होता है ना तो बहुत से लोग जो हैं वो रेवोल्यूशन करते हैं, और ऐसे में इंग्लैंड में बहुत से एरियाज में ये न्यूज मिली दैट मैनी विमेन दे अटैक ऑन दीज स्पिनिंग जेनी मशीन के ऊपर अटैक किया गया, स्पिनिंग जेनी जो थी उसके ऊपर अटैक किया गया. रीजन क्या? बिकॉज मैनी वेमेन एंड मैनी पर्सन दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड हो गए. और ये भी एक रीजन था जिसके कारण काफी हद तक वर्कर्स की जो लाइफ थी, ठीक है, दैट अफेक्टेड. अब हम क्या पार्ट पढ़ रहे हैं कि मशीन के आने से, मशीन जो है वो ब्लेसिंग भी होती है और कर्स भी है, बून भी होता है. यानी कि मशीन से आने से हम ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स को फायदा हुआ लेकिन लेबर्स को क्या हुआ? लॉस. अब विलेज एरियाज में लोगों को काम नहीं मिल रहा था. पहले तो विलेज एरियाज के लोग घर में काम करते थे ना, लेकिन नाउ द पीपल आर इन द विलेजेस, दे वर नॉट गेटिंग जॉब, सो मेनी विलेजर्स दे वेंट टू सिटीज. इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? जब लोग जॉब के लिए अलग अलग सिटीज में जाते हैं. लेकिन जब वो सिटीज में आते थे उनको कितने मंथ का काम नहीं मिलता था, और अगर काम मिलता भी था तो सीजनल. सीजनल का मतलब क्या होता है? सीजन के अकॉर्डिंग. जैसे समर्स में आइसक्रीम फैक्ट्रीज में काम मिलेगा, विंटर्स में आइसक्रीम फैक्ट्रीज क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी. तो जो लेबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयड. ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से इंग्लैंड में जब नई नई इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी मशीन्स खरीद ली गई, तो इसका लॉस सबसे ज्यादा किनको हुआ? वर्कर्स. ठीक है, एनी डाउट?